इस वक्त सुबह के 7:25 हो रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस आबिद जो है इस वक्त देखे कोर्ट तशरीफ ला रहे हैं। आपको चैन नहीं है घर में, आप सुबह सुबह सर हमारी बेगम साहिबा कहती है सुबह सुबह घर से निकलो, बहुत हो गया आपके पास चलने। लेकिन साथ चले तो देखे अच्छा लगता है। वैसे पार्किंग मिल जाती है जहाँ दिल चाहे आप गाड़ी पार्क कर लें। वैसे तो हमारी कराची बार की बहुत बड़ी पार्किंग है, लेकिन क्योंकि हमें निकलना होता है दिन में गाड़ी जो स्टक हो जाती है, तो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छी जगह चूज की है। हाँ, हफ्ते के दिन थोड़ा सा रश ज्यादा होती है तो ये जगह मुनासिब रहती है कि यहाँ से भागना फौरन आराम से पड़ जाता है। आप समझ रहे हैं हम अभी पहुंचे, अभी नहीं आए हम लोग, मैं काफी देर से आपको देख रहा हूँ। 6 बजे के आए हुए हम लोग, देखिए मैंने गाड़ी सामने पार्क की है, ये देखें। अच्छा, वो सामने गाड़ी पार्क की है। आज हमने मैं देख रहा था, मैंने कहा कौन ये वकील आए हैं दोनों सुबह सुबह, जो पता चला जाए हमारे दोस्त है, हमारे क्लास फेलो, हमारे दोस्त, हमारी बहन है, ये भी हमें हमारे साथ पढ़ती रही हैं। एक दो क्लास का फर्क होगा, ऐसे ही है एक साल दो साल का फर्क होगा। ये भी माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और अच्छा, इनको अल्लाह ताला खुश रखे। इनकी बेटी भी माशाल्लाह LLB कर चुकी है सर, या बायोडाटा इसलिए बता रहे हैं खानदानी, हाँ खानदानी, देखे खानदान का तारुफ इंट्रोडक्शन जरूरी है कि ये लॉयर्स फैमिली है। आबिद कुरैशी के वालिद बुजुर्गवार भी बहुत सीनियर वकील थे सुप्रीम कोर्ट के और बहुत अच्छे वकील थे, पर इन्हीं के नक्शे कदम पे आबिद भाई भी चल रहे हैं और इनकी मिसेज भी चल रही है। तो ये आप लोगों सुबह सुबह मुलाकात होती है, अच्छा लगता है क्योंकि अंदर से माहौल देखिए, माहौल तो दिखा दें। तो ये इस वक्त एमएजना रोड पे हम खड़े हैं, ये गेट नंबर 1 है, आई थिंक गेट नंबर 1 है सिटी कोर्ट का। चले आए फिर अंदर चलते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं, यहाँ अंदर क्या हालात चल रहे हैं। चले आइए आबिद साहब, आबिद भाई भी देखे ये बड़ी बड़ी इस वक्त तैयारी में आते हैं आबिद भाई भी पूरी तरह। वाजा चाल है, झोड़ है, ढड्डे ठीक है, ये देखे आबिद साहब कैसी लगती है पुरानी सी इमारत है, बहुत ही तारीखी है, बहुत ही हिस्टोरिकल है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके ब्लॉक भी जो है ये तो उन्होंने नया बनाया है, बस उसकी कैपेसिटी के लिए देखें कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है सर। ये यहाँ पर किसी वक्तों में अंग्रेज बहादुर बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अंग्रेज बहादुर, कई पर्पजली बिल्डिंग बनाई गई है, बाकायदा कोर्ट के लिए ही बनाई गई थी, अंग्रेज यहाँ पर कोर्ट ही यहाँ पर जमा करके और फिर काम करते थे, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन होता था। आज पाकिस्तानी जो है यहाँ पर हुक्मरानी है और यहाँ पर माशाल्लाह अच्छे जजेज आते हैं डिस्ट्रिक्ट साउथ में। ये डिस्ट्रिक्ट साउथ की तारीखी इमारत है, पहले कराची एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था, बिल्कुल ऐसे कराची डिस्ट्रिक्ट एक था, लोगो बना हुआ है, क्या है, रॉयल का है, रॉयल कोर्ट। ये देखें बहुत ही तारीखी इमारत है सर, ये हिस्टोरिकल। इसके बराबर में जो बिल्डिंग है वो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, वो भी इसी तरह की एक हिस्टोरिकल है। बस ये इस तरह तारीख चलती रहती है। तो हम अपने अगले मंजिल की जानिब गामजन है, जो हमारी सी चौक है, जहाँ पर अपने हम फेफड़ों की एक्सरसाइज करेंगे। अपने फेफड़ों की एक्सरसाइज में हमें मज़ा आएगा सर, इस वक्त आप देखेंगे आपको तफरी आएगी सर, आप माशाल्लाह रोज आने वाले हैं। ये देखें इस वक्त ये जो आपको सामने इमारत नज़र आ रही है, इंतहाई खूबसूरत सी, जिस पे मीनार बने हुए 2, ये कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इमारत है, बहुत ही कदीम है। आई थिंक जब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर हुआ था ज़माने में अंग्रेज़ बहादुर के दौर में, बिल्कुल 1800 समथिंग। जी ये बहुत ही तारीखी इमारत है, ये दोनों इमारतें बहुत तारीखी हैं। इसके सामने देखिए ये डिस्ट्रिक्ट साउथ में फैमिली मीटिंग रिकॉन्सिलेशन हॉल डिस्ट्रिक्ट साउथ का बना हुआ, यहाँ पर फैमिली जो गार्डियन वार्ड के केसेस की जो मीटिंग्स होती है, देखें ये अरेंजमेंट हुई है, ये 2000 इसका क्रेडिट भी 2016 में एडिशनल सेशन जज हैं आलिया अनवर, उनको जाता है, उन्होंने उस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेशन जज फ़हीम अहमद सिद्दीकी जो बाद में सिंध हाई कोर्ट के जज बन गए, ये बनाया था। इससे पहले कैदी सारे जो है वो उनके सामने मीटिंग होती थी, तो बहुत बुरा लगता था फैमिलीज के साथ, तो ये एक बड़ा अच्छा एकदम था, अब इसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके बारे में आगे जाके भी आपको मजीद इंफॉर्मेशन देंगे, ताकि पूरे पाकिस्तान में इस किस्म के सेंटर जो है बनाए जाएँ कोर्ट्स के अंदर, ताकि फैमिलीज और उनकी जो चिल्ड्रन आते हैं वो सेफ और सिक्योर हों। कराची बार में ये दोनों चारों गेट्स के सामने जो इन्होंने ये माशाल्लाह ये फूल वगैरह जो रखे हैं तो बहुत अच्छा है। इससे आगे भी देखें आप ये इसी तरह के, ये कराची बार है, कराची
इसकी बार है हमारी जहाँ हमारे वकला साहबन बैठते हैं, ये ऊपर जो है लाइब्रेरी है फर्स्ट फ्लोर पर, नीचे बार है। एक बार हमें और मिल गई क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ जो है बढ़ गई तकरीबन लगभग 20,000 के करीब, 20,000 के लगभग लॉयर्स हैं, उससे मोर देन 20,000 यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और ये तहसीन भाई भी देखें हमारे सुबह के सी चौक के मेम्बर हैं, और देखिए शहजाद भाई जो हमसे पहले आके बैठते हैं, अजानों से पहले आके बैठते हैं यहाँ, जनाब शहजाद इसहाक साहब और मुगल असलम मुगल साहब। असलम मुगल साहब भी बहुत सीनियर तरीन वकीलों में इनका शुमार होता है, मारूफ कानूनदान और क्रिमिनल के बहुत मजे हुए वकील हैं सर। ये हमारे खिदमत गुजार हैं लाला औरंगज़ेब, ये कैंटीन जो कैफेटेरिया मोहम्मद, ये बहुत मंजे हुए वकील हैं सर। इस वक्त कराची में इतने नामवर वकील हमने नहीं देखे। ये हमारे देखिए शरार इसहाक साहब हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कल हमारा नाश्ता है, आप उसमें होस्ट का किरदार अदा कीजिएगा और आपने आने सुबह 7:30 बजे। देखिए मैं तो उसी सूरत में आऊँगा जब असलम भाई आएंगे। मेरा जो है वो है असलम भाई के साथ मेरा एक दरीना रिश्ता है कि हमारे सीनियर हैं, इंतहाई सीनियर हैं। जब हमने वकालत की फील्ड में कदम रखा तो असलम भाई को हमने देखा। असलम भाई के पास उस वक्त कम से कम दिन में 400-400 केस होते थे, तो हमने असलम भाई से कहा कि भाई आप जो है कुछ केस अपने जो जूनियर लॉयर उनको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उन्होंने हमारी बात पर अमल किया और काफ़ी जूनियर तो इन्होंने केस जो है डिस्ट्रीब्यूट किए। अब ये ज़ाहिर है सीनियर हो गए, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करके अपना काम करते हैं। और तहसीन भाई भी माशाल्लाह हमारे बहुत सीनियर हैं, इन्होंने एक दफ़ा हमें वो डिसलवा टाउन में जो डिसलवा टाउन की कढ़ाई थी, हुसैन डिसलवा टाउन की कढ़ाई इन्होंने एक दफ़ा खिलाई थी इरफान भाई, हमने और इन्हें मिल के खाई थी। शायद आपको याद ना हो लेकिन हमें वो याद है, आपका नमक खाया हुआ सर। सर मुझे याद है, आप सही कह रहे हैं, मगर आप यहाँ जो ये सब कर रहे हैं ये सारे सीनियर हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कल आपने सुबह 7:30 बजे अम्बाला स्वीट पे पहुँच जाना है, और आपने आके एज ए होस्ट उन सारे इंतजाम को संभालना है और हर चीज़ को देखना है। ये मैं आपको एक एडवाइस कर सकता हूँ, आप जल्दी आइए। सर 13 मार्च आप सर आप भाइयों की जो है वो दरख्वास्त है, आप भाइयों की दावत है, ज़ाहिर हम एज ए चेयरमैन सी चौक जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सुबह सुबह जो है वहाँ पर सब जमा हो, इंशाल्लाह आपको वहाँ पाएंगे अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। इंशाल्लाह सुबह नाश्ते की गैदरिंग भी आपको डालेंगे और बताएंगे कि नाश्ता किस तरीके से होता है। इतनी बड़ी तादाद में वकला को जमा करना ये हमारे सी चौक का वतीरा है, इसके अलावा कोई नहीं जमा कर सकता। मारूफ हाशमी भाई हैं हमारे, बहुत ही सीनियर वकील हैं हमारे, और ये इन्होंने वकालत की काफी आई है। कल आपका क्या प्रोग्राम है? हम आ जाएंगे नाश्ता करने, हम तो गरीब लोग हैं हमेशा आ जाते हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब तैयारी कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब मैं तो कोई दोपहर का खाना खिलाए तो भी चले जाएंगे, है ना? सबसे गुजारिश है कि नाश्ते के लिए नाश्ता अपने अपने घर से। भाई सबसे गुजारिश है जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, रात को कोई आदमी भी खाना नहीं खाएगा, रात को किसी आदमी ने भी खाना नहीं खाना, भूखा पेट पूरा रोजा रख के सुबह आना है, सुबह नाश्ता आपको कराएंगे। और हमारे दोस्तों का ये प्रोग्राम है कि इस दफा सहरी भी हम क्या करेंगे। ये हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हामिद इदरीस साहब एडवोकेट, इनकी प्रैक्टिस भी माशाल्लाह अच्छी है, सिविल क्रिमिनल कॉर्पोरेट हर साइड पे ये, और ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और सी चौक के हमारे मेंबर भी हैं और बहुत एक्टिविस्ट हैं। तो मैं इनसे पूछूंगा सर कल का क्या प्रोग्राम है आपका? सर कल का प्रोग्राम दोस्तों ने जो बनाया है वो जारी बात है, एक और शायद भाई हमारे जो हैं वो सब दोस्त हैं और सब दोस्त जब मिलते हैं तो पूरे संडे की जो है पूरे वीक की जो वीक आपकी खत्म होती है, टाइडी फील कर देते हैं, वो आपका जो है रिड्यूस हो जाता है। और कुछ और आपस में दोबारा ख्याल करने का मौका मिलता है, इन्जॉयमेंट भी होती है जो आम दिनों में हम नहीं करते, फन भी क्रिएट करते हैं और ठीक ठाक इसमें एंजॉय। और उसको जो है ना क्या कहते हैं अमित भाई, सर मैं कल इंशाल्लाह हमारे दोस्त जमा होंगे सर। सर आपके जिम्मे लगा दिए हमने, आप उसको होस्ट करेंगे, आप भी आएंगी? नहीं
ना ये उसमें नेट पे देखेंगे। मुझे एक ही दिन मिलता है। नहीं आप बताएं ना, आप मूवी देखेंगे? हाँ मैं देखूंगी नेट पे आपकी सारे यारी एक्टिविटीज जितनी होगी। चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और मैं चाहूंगी कि सारे तमाम बुक क्लब ब्रादरी जो है वो सब्सक्राइब करें और देखेंगे क्या हो रहा है। ये डेली की एक्टिविटीज जो है जरूरी होती है। हम आबिद कुरैशी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं सुबह सुबह। सर यहाँ पढ़ना मना है आपको, पता है आबिद साहब? आबिद साहब जो यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। असलम भाई, आज आपकी बर्थडे है। हामिद भाई ने बताया कितने साल के हो गए? माशाल्लाह 63 साल के। ये रिटायरमेंट के कितने साल के हो गए सर आप? माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। और वकालत कितनी हो गई सर? 40 साल। आपके गांव में बच्चे पैदा होते थे, हम लोग बन गए काट के। तो बहुत ये देखे आज, देखे सुबह सुबह ये रौनक है हमारी सर। जब ये पैदा हुए